आज भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है। बैठक में शामिल होने से पहले पीएम मोदी आज भुवनेश्वर के मशहूर लिंगराज मंदिर में पूजा करेंगे। कल पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में रोड शो भी किया था। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि चुनाव में हार को स्वीकार न करके और ईवीएम पर सवाल उठाकर विपक्ष लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का स्वर्णिम युग तब आएगा जब केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनेगी। भुवनेश्वर में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद आज पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर जाएंगे। सूरत में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करेंगे। उनका यह रोड शो 11 किलोमीटर का होगा। रोड शो में 25,000 बाइक सवार भी शामिल होंगे। रात में पीएम सूरत के सर्किट हाउस में ठहरेंगे और बीजेपी नेताओं से मिलेंगे। सोमवार को पीएम सूरत में 400 करोड़ की लागत से बने ट्रस्ट के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही हीरे के कारोबार से जुड़े एक यूनिट का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम एक डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम एक सभा को संबोधित भी करेंगे। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाकर कहा कि बीजेपी ने जनता को धोखा देकर यूपी में सरकार बनाई है, तो उसके जवाब में बीजेपी ने कहा है कि अखिलेश को तो ना अपने पिता मुलायम पर भरोसा है, ना ईवीएम पर और ना ही यूपी की जनता पर। वहीं लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की और कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ किसी भी गठबंधन में शामिल होने को तैयार हैं। कल श्रीनगर में पत्थरबाजी के दौरान सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के खिलाफ आज अलगाववादियों ने बंद बुलाया है। वहीं पुलवामा में एक आतंकवादी ने दो लोगों को गोली मार दी। इससे पहले पुलवामा में ही एक डिग्री कॉलेज में कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए गए सुरक्षा बलों पर पथराव हुआ। पुलिस की कार्रवाई में 21 लोग घायल हुए हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोरा से राज्य के हालात पर मुलाकात की। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से लोकसभा का उपचुनाव भी जीत गए हैं। उन्होंने पीडीपी के प्रत्याशी को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा के खिलाफ भारत ने 17 अप्रैल को पाकिस्तान से होने वाली द्विपक्षीय वार्ता रद्द कर दी है। भारत पाकिस्तान के बीच ये बातचीत समुद्री सुरक्षा पर होने वाली थी। पाकिस्तान ने 14वीं बार कुलभूषण से मुलाकात की भारत की अपील खारिज कर दी थी, जिसके जवाब में भारत ने कदम उठाया है। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दूसरे दिन की बैठक में ट्रिपल तलाक और अयोध्या विवाद का मुद्दा उठ सकता है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ट्रिपल तलाक को लेकर एक मोबाइल ऐप बनाने की बात हो सकती है, जिसके जरिए ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत सीधे बोर्ड तक पहुंचा सकती हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में समुद्र के किनारे पिकनिक मनाने गए इंजीनियरिंग कॉलेज के 8 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में 2 छात्राएं भी शामिल हैं। हालांकि 3 छात्रों को मछुआरों ने बचा लिया। हादसा सिंधुदुर्ग के बायरी बीच के पास हुआ। समुद्र में हाई टाइड आने से हादसे की आशंका जताई गई है। कर्नाटक के बेलगाम से मराठा इंजीनियरिंग कॉलेज के 50 छात्र टूर पर गए थे। कॉलेज के मुताबिक छात्रों ने टूर पर जाने की इजाजत नहीं ली थी। सीरिया में अलप्पो के पास 2 शहरों से सुरक्षित निकाले जा रहे नागरिकों की बस पर आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हैं। इन लोगों में सरकार के समर्थक और विद्रोहियों के साथ ही दोनों पक्ष के लोग थे। आत्मघाती हमलावर बारूद से भरी वैन में सवार थे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुआ। अमेरिकी सेना के मुताबिक मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही फट गई। उत्तर कोरिया की परमाणु जंग के लिए तैयार रहने की धमकी के बाद उस पर लगातार नजर रखी जा रही है। उत्तर कोरिया के दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता च्यो योंग हे ने कहा है कि युद्ध का जवाब युद्ध से दिया जाएगा।